एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिशन की, आईपीओ ने उसे एक्सटेंड कर दिया है फ्रॉम 5th मई टू 25th मई 2020। आइए इसका नोटिस मैं दिखा दूँ आप लोगों को। अगर आपको आईपीओ की साइट एक्सेस करनी है तो आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पे लिखना होगा IPO, उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है तो आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। फिर आप स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। जो यहाँ पे रेड कलर में जो ये लिंक है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड, इसको जब आप क्लिक करेंगे तब आप इस नोटिस पे पहुंच जाएंगे। आइए नोटिस बता देते हैं क्या है। सब्जेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर 2020 एडमिशन इन GGSIPU। दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ नोटिस नंबर GGSIPU और एग्जाम और कैट 2020-02 डेटेड 16/4/2020 ड्यू टू COVID-19 लॉकडाउन सिचुएशन। GGSIPU हैज फर्दर एक्सटेंडेड द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन एकेडमिक सेशन 2020 टिल 25th मई 2020 फॉर कैट और मेरिट में बेस्ड और नेशनल लेवल टेस्ट कैंडिडेट्स। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे किसी भी कोर्स के लिए, अब मैं ये बताने वाली हूँ। यहाँ पे एक कॉर्नर बना हुआ है एडमिशन 2021 का, जिसमें एडमिशन ब्रोशर भी है और ऑनलाइन फॉर्म का लिंक भी है और नोटिसेस फॉर एडमिशन थ्रू भी है। बेसिकली IPO तीन फॉर्म से एडमिशन लेता है कोर्सेज के अंदर, दैट इज फर्स्ट नेशनल लेवल टेस्ट। अगर आपको बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको नेशनल लेवल टेस्ट दैट इज JEE मेन आपको देना पड़ेगा। अगर आपको BCA MCA कोर्स में एडमिशन लेना है सो यू हैव टू गिव IPO कैट एंड द थर्ड एग्जाम इज क्वालिफाइंग एग्जाम। इस कोर्स के बेसिस पे IPO एडमिशन लेता है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इस लिंक पे आप क्लिक कर लीजिए सो यू विल बी रीच टू दिस पेज। इस पेज में इंस्ट्रक्शंस है, जो ये फॉर्म ओपन हुआ था वो 3rd मार्च को हुआ था ये वाला फॉर्म ओपन, और जो क्लोजिंग डेट है इस फॉर्म की वो है 25th मई 2020। डेट ऑफ एडिटिंग ऑफ फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो इसके लिए आपको एडिटिंग करनी होगी फॉर्म में, सो यू हैव टू अप्लाई From 26 मई टू 28 मई। सो फॉर्म भरने से पहले आप इस सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस पर टिक कर दीजिएगा और स्टार्ट करिएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। सो यू विल बी रीच्ड टू दिस पेज। इसको क्लोज कर दीजिए। यू विल बी रीच्ड टू दिस पेज। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट है, ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल रिसीव द लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मेल। दो स्टेप है किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए, किसी भी कोर्स की एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, दैट इज रजिस्टर एंड प्रोफाइल क्रिएशन। आफ्टर लॉग इन विद क्रेडेंशियल यू विल रिसीव लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड इन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फॉर कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन पेमेंट। अगर कोई FAQ है, मतलब कोई क्वेरी है, तो आप यहाँ पे ईमेल भी लिखी हुई है, आप इन ईमेल पे पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। और जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी गिवन है इसी पे, सो आप इन्हें नोट करके रख लीजिएगा अपने पास। जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो है, सबसे पहले आपको प्रोग्राम ग्रुप सेलेक्ट करना होगा, लाइक नॉन कैट UG, नॉन कैट PG, कैट UG, कैट PG, कैट अदर्स। उसके बाद प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कैट का कोड डाल लीजिएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद अपनी मेल आईडी डाल दीजिएगा और ये कोड डाल दीजिएगा, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी मेल पे वेरिफिकेशन मेल आएगी, देन आपकी लॉग इन और क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद आपकी आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आप सबमिटेड सबमिटेड एप्लीकेशन देख सकते हैं।
और अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं तो आपको डायरेक्टली इस पे क्लिक करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, क्लिक हेयर टू लॉग इन, और अपनी क्रेडेंशियल्स डालने हैं और लॉग इन करना है, और आप अपनी सबमिटेड एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आएगी तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।